आउटर देखना है पहले। बीजापुर के ऊपर में आधा नारायणपुर, कुछ दूर तक लगेगा कोंडा गांव, बस्तर लगेगा, और याद रखना है आपका दंतेवाड़ा कुमा, ये लगा तेरा बस्तर तक लगेगा दंतेवाड़ा। क्या लगा भैया? दंतेवाड़ा, और नीचे लगा सुकमा। ये है सुकमा, ठीक है। इधर देखो, और आउटर में क्या आएगा? ये इतना दूर ऊपर लगेगा महाराष्ट्र, नीचे क्या लगा हुआ है? तेलंगाना, ठीक है। नीचे पूरा क्या है? तेलंगाना, ऊपर महाराष्ट्र। दो राज्य, 1 2 3 4 5 जिले, सीमा किसकी बता रहा हूं मैं? बीजापुर का। चलिए रोड देखिए, यहां पर पड़ता निजामाबाद, जगह का नाम निजामाबाद। निजामाबाद से ये सीधा सड़क पहुंच जाएगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से ये जाएगा बस्तर में जगदलपुर, और जगदलपुर से सीधा निकल जाएगा ये उड़ीसा। NH 63 सड़क कौन सा है? 63। नीचे पड़ेगा हैदराबाद, हैदराबाद से ऐसा ये सड़क, जहां पर मिलेंगे ये जगह है भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम, ओके। आगे जाएंगे, ये रहा आपका बीजापुर, और आगे जाएंगे यहाँ पड़ेगा भैरमगढ़, और नीचे इस जगह पर पड़ेगा उसूर। चारों तहसील है, चारों विकासखंड, चारों। अरे वाह, तीनों आज चारों क्या है भैया? तहसील है, चारों के चारों क्या है? विकासखंड है, ओके। चलिए इतना जगह याद हुआ। यहां पर ये जो सुकमा बॉर्डर है, सुकमा बॉर्डर पर अपने काम का दो जगह, एक का नाम है मोडेनार, एक का नाम है गिलगिच। मोडेनार, गिलगिच, नोट्स में सब डल चुका है, केवल मैप बनाए, ठीक है। बीजापुर के पास एक जगह याद रखना, सारकेगुड़ा। सारकेगुड़ा, ये NH 63, ये 60 163, ये 63, ये वन, ये हैदराबाद से आ रहा है भोपालपट्टनम, हैदराबाद से भोपालपट्टनम। इस रोड पर आओगे तो देखो एक दो जगह याद रखना है, ये है उल्लूर, उल्लूर। नीचे आओगे तो जगह पड़ेगा कुचनूर। उल्लूर की पहाड़ियां, कुचनूर की पहाड़ियां, ऐसा। और ये इन दोनों के कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंस बना, माइंस का नाम है धनगोल माइंस। धनगोल के नाम से पहाड़ भी है, पर्वत भी है, माइंस का नाम है धनगोल, जगह का भी नाम धनगोल है। ये तीनों जगह, खास करके उल्लूर, कुचनूर और धनगोल, ये तीनों के तीनों जगह अपने कोरंडम, कोरंडम के भंडार है। काय का भंडार है? कोरंडम का। ये इधर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट गुफा, ये पर्वत बताया था कल, इसका मैप बताया था कि नहीं बताया था कल? हाँ या नहीं? नहीं बताया था क्या तुम लोग को? कोई बात नहीं, ठीक। मैं सोचा सवेरे वाले टाइप का पढ़ा रहा हूँ। ये है अलबक्का हिल्स, अलबक्का की पहाड़ी, ठीक है।
और यहीं पर है पोषण पल्ली। इधर क्वेश्चन नहीं बेटा, सीधा सीधा पूछ देता है, अलबक्का हिल्स किधर है, पोषण पल्ली की गुफा कहाँ है। यहां पर एक केव याद रखना, गुफा सकल नारायण गुफा, सकल नारायण गुफा, ठीक है। यहीं पर आपको और ऊपर चलते चलिए, अब लाइन से ये है लंका पल्ली, ये है नाड़ा पल्ली, ये है आवा पल्ली, बहुत सारे सारे पल्ली इधर ही पड़ेंगे। बताया था एक ठो, बस तेरे को नारायणपुर में बताया था, क्या नाम है बताओ तो, गोला पल्ली। यस, उसी को अलग से याद रखने बोला था सुकमा वाले को। नाम क्या था इसका, यहाँ पर काय का गुफा था ये सारी काय का पहाड़ था ये, गोला पल्ली। ये सब याद हुआ, सकल नारायण गुफा, लंका पल्ली, नाड़ा पल्ली, आवा पल्ली, इधर आ जाओ पोषण पल्ली, अलबक्का की पहाड़ी, ये जगह याद ना है, उल्लूर, कुचनूर, धनगोल माइंस। कोई समस्या किसी को? ये देखो आप ध्यान से देखना, ये महाराष्ट्र से, इसको महाराष्ट्र से इधर, ये ऐसे, ये एक नदी ऐसा, इतना बॉर्डर बनाया छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के नीचे से निकल जाएगा। थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, फिर बड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये ऐसे ये निकल जाएगा, ये है गोदावरी नदी। कौन सी नदी ये? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी आपको याद रखना है, ये इधर से आ रहा है, देखो जगदलपुर के बाद ये ऐसे आया, दंतेवाड़ा में आया, दंतेवाड़ा से ऐसे, ये आके मिल गया किससे? गोदावरी से। जिस जगह पर मिल रहा है, जिस जगह पर मिल रहा है, ये जगह है भद्रकाली, जय भद्रकाली। जगह का नाम क्या है? भद्रकाली। और जो जहां पर ये दोनों नदियों का संगम हो रहा है, तो उस संगम का नाम है सोमनूर संगम, सोमनूर संगम। संगम का क्या नाम है? सोमनूर संगम। जगह का क्या नाम है? भद्रकाली। ये जगह कौन सा है? भोपालपट्टनम। देखो ध्यान से, ये जगह है भोपालपट्टनम, ये जगह है बीजापुर, ये जगह है भैरमगढ़, और ये जगह कौन सा है? उसूर। मेरा 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 कुसूर नहीं, उसूर। क्या जगह का नाम है? उसूर। ये चारों के चारों तहसील हैं और चारों के चारों विकासखंड हैं, ठीक है। सारकेगुड़ा के पास एक और जगह है केतुलनार, जगह का क्या नाम है? केतुलनार। चलो आगे बात करते हैं, ये जगह है उसूर, और उसूर में एक आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है, अभयारण्य। भैरमगढ़ में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है, अभयारण्य। लेकिन ये जो बना रहा हूँ, ये नेशनल पार्क है। ये क्या है? नेशनल पार्क। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये क्या है? नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क का नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क, और इंद्रावती नेशनल पार्क के भीतर में आपको एक जगह याद रखने बोला था, इतना जगह कहलाता है क्या? कुटरू वन। अभयारण्य का नाम क्या है?
इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके भीतर में एक स्पॉट है कुटुरु गेम सेंचुरी बोला जाता है। ये रहा पामेड़ अभयारण्य, इस सेंचुरी का क्या नाम है, पामेड़, पामेड़ अभयारण्य। ये एक और सेंचुरी है, ये भैरमगढ़ के नाम से ही है, भैरमगढ़ अभयारण्य। चलिए क्या चिंता है बताइए, अब किसी को क्या समस्या है? दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क है, बहुत सारी नदियां हैं, नदियों में बस इतना ही याद रखना दो, और एक याद रखना ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन आया था पामेड़ अभयारण्य के बीच से कौन सी नदी होकर गुजरती है, एक सिंगल आंसर आएगा तालपेरू। इसका क्या नाम है, तालपेरू, ये आंसर लिया हुआ है और एक सिंगल आंसर था तालपेरू, बस इतना ही जानो। तालपेरू किसकी सहायक है, गोदावरी की, किसकी सहायक है, गोदावरी की। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, पामेड़ अभयारण्य के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी का नाम, ठीक है, क्या नाम है उसका, तालपेरू। पहले अगर कोई चीज छूट गया होगा तो देखते हैं, पहले इतनी की बात कर लेते हैं, इतना में एक एक स्पॉट आपको जानना है, काम का है। ये देखो अपन बात करते हैं जगदलपुर तरफ से आ रहे हैं, पहले अपन पहुंचे कहां, गीदम, ये रोड गीदम है बेटा, गीदम से ये रहा तेरा दंतेवाड़ा, इसके लिए ये सड़क का नाम है 163A, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। अब आगे पार करेंगे, ये जगह पड़ेगा अपने को, सबसे पहले जगह पड़ेगा बीजापुर में भैरमगढ़, राजा भैरव, काकती वंश का राजा भैरमदेव इस जगह को बसाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था भैरमगढ़, ठीक है। भैरमदेव का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, ये सब तेरे काम का नहीं है। भैरमगढ़ में भैरमदेव का मंदिर है, राजा भैरमदेव ने इस जगह को बनाया था। आगे चल के यहीं पर एक विद्रोह मिलेगा, रानी चोरिस का विद्रोह, रानी चोरिस का थी कौन थी तू मत जान, रानी चोरिस का विद्रोह भी कहां पर होगा, भैरमगढ़ में, कहां होगा, भैरमगढ़ में। भैरमगढ़ एक तहसील है, विकासखंड है, भैरमगढ़ तहसील है, विकासखंड है। रानी चोरिस का विद्रोह कहाँ हुआ, तो भी भैरमगढ़ में। इस भैरमगढ़ को बसाने वाले का नाम था काकती राजा भैरमदेव, इसीलिए यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर को क्या बोला जाता है, भैरमदेव मंदिर। मूलतः वो शिव भगवान का मंदिर है, भैरव बाबा का नहीं है, भैरमदेव मंदिर है, मूलतः किसको समर्पित है, शिव को। अब याद रखना है इस भैरमगढ़ में ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैरमगढ़ अभयारण्य, अभयारण्य का नाम भैरमगढ़, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बात ये याद रखना है, 1983 में इसको अभयारण्य का दर्जा मिला, एक बात। दूसरा बात याद रखना है 139 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है, लगभग यहाँ पर पाए जाएंगे शाकाहारी जीव, शाकाहारी, ठीक है। अब शाकाहारी में जितना हिरण पिरण ये दुनिया जहान सब, ठीक है, इसमें एक शाकाहारी जीव। अब साथ में याद रखना है आपको वन भैंसा भी याद रखना है, वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, ठीक है, ये वन भैंसा पाया जाता है। 139 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, 1983 में बना। इस अभयारण्य के बीचों बीच बीच से इंद्रावती नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। बस भैरमगढ़ के बारे में इतना ही जान, भैरमगढ़ तहसील है, विकासखंड है, ठीक है, तहसील है, विकासखंड है। काकती राजा भैरमदेव के द्वारा इसको बसाया गया था। आगे चल के इतिहास में रानी चोरिस का विद्रोह यहीं होगा, रानी चोरिस का विद्रोह याद रखना है, साथ में याद रखना है भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983, सेम वैसी पामेड़ अभयारण्य 1983, सेम डेट पर 1983, लेकिन इसका टोटल एरिया 263 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर, और इसके बीच से कौन सी नदी गुजरती है, तो तालपेरू नदी। दोनों अभयारण्य याद रखना, दोनों 1983 का है, कब का है, दोनों का, दोनों 1983 का। चलिए इस रोड पर आगे आएंगे तो आपको जगह पड़ेगा बीजापुर, बीजापुर का प्राचीन नाम है विजयपुर, विजयनगर,
विजयपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। बीजापुर का पुराना नाम विजयनगर। बीजापुर जो है, ध्यान से याद रखना, बीजापुर जिला, बीजापुर पहले तहसील है, विकासखंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। इतनी बातें याद हुई। दूसरा बात याद रखना, पांच आकांक्षी जिले में शामिल है, सॉरी 10 आकांक्षी जिले में शामिल है, 5 पूर्णता जैविक जिलों में शामिल है और 16 अनुसूचित जिलों में शामिल है। तीनों याद रखना। क्या क्या बोला? 10 आकांक्षी जिला है, ओके, इसमें शामिल है, 5 जैविक जिलों में शामिल है और 16 अनुसूचित जिले। कैसे जिले? अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगा। नीचे 7, ऊपर 6, 13 तो ऐसे ही खत्म हो गया। बस्तर संभाग का 7 तो शामिल है, सरगुजा संभाग का 6 शामिल है, 7 6, 13 तो ऐसे गिन दिए 16 में, ठीक है। बाकी बताएंगे, ओरबा कोरबा है कि नहीं है, गौरेला पेंड्रा मरवाई है नहीं है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है नहीं है, बाकी बाद में देखेंगे। 13 तो याद हो गया एक बार में, एक झटके में। अब ये 5 देखो, ये 5 पहले 5 याद कर लो। ये हो गया 13। पूरे बस्तर के सेंटर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के नीचे सुकमा, दंतेवाड़ा के इधर बीजापुर और इसके ऊपर में नारायणपुर। कितना हो गया? 3 और 1 4, सेंटर वाले को मिलाओगे तो 4 और गरियाबंद 1 5। गरियाबंद ये भी पूर्णता जैविक जिला, ऐसे जिलों को बोलते हैं जहां पर किसानी करते समय या कृषि करते समय फर्टिलाइजर्स का यूज ना किया जाए, उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, तब उनको क्या बोला जाता है? जैविक खेती। और ये पूरे का पूरा जिला फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करेगा तब वो कहलाएगा जैविक जिला। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैविक जिले की संख्या कितनी है? 5, ठीक है, ये रहे 5। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, पढ़ो ये सब तड़फड़ हो गया याद, मैं भी याद है मतलब वो सब तड़फड़ याद होगा, ठीक है। चलिए, विजयनगर, प्राचीन नाम विजयपुर या विजयनगर था, ठीक है। साथ में याद रखना है आपको, तहसील है, विकासखंड है, जिले का जिला मुख्यालय है, 5 जैविक जिलों में शामिल है, 10 आकांक्षी जिला और 16, ठीक। यहां पर गार्नेट मिलेगा, गार्नेट का भंडार है। काय का भंडार है? गार्नेट, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, 14 अप्रैल 2018 का डेट बोल रहा हूँ, डेट याद रखना। 2007 में बीजापुर जिला बना। कब जिला बना? 2007 में। 2007 में एक और जिला बना, कौन सा? नारायणपुर। 1 मई 2007 को दोनों बने हैं, ठीक है। तो बीजापुर के बारे में अब मैं जो डेट बोला याद, 14 अप्रैल 2018 आयुष्मान भारत योजना, जानती है? आयुष्मान कार्ड है तेरे पास? एपीएल है, बीपीएल है? एपीएल है तो कितने तक छूट मिलेगा तेरे को इलाज कराएगी तो? 5 लाख, लोल, तू बता दे डॉक्टर इसको कितना छूट मिलेगा, बताना रे, आए तो पांव पर थनों ने, धन्यवाद। मैं ही बता देता हूँ, एपीएल कार्ड जिसके पास है 50,000, कितने तक? 50,000 तक अपना किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के क्या कर सकते हैं? इलाज करा सकते हैं, जो कुछ हॉस्पिटल के नाम दिए रहेंगे, केवल 50,000 एपीएल कार्ड। लेकिन अगर बीपीएल कार्ड है तो 5 लाख, ठीक है। सरकार अपनी योजना में उसको बढ़ाने का, डबल करने का बात किया था, अभी तक लेकिन अप्लाई नहीं हुआ है। 50,000 और 5 लाख, 50,000 और, ये डिपेंड करता है आपके पास कार्ड कौन सा है। एपीएल कार्ड है तो 50,000 और बीपीएल कार्ड है तो लगभग सब लोग घर के घूम रहे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा होगा किसी घर में तो भी सब बीपीएल कार्ड पकड़ घूम रहे हैं 90% लोग, और जो नहीं बना पाए हैं वो लोल हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसका आईटी रिटर्न विटर्न जा रहा है वो नहीं बना सकता है ना भैया, हाँ, सरकारी नौकरी वाले यहाँ खतरा आ जाएगा, इसलिए वो बेचारे नहीं बना पाते। लेकिन भले बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, उसके यहाँ क्या मिलेगा तेरे को? बीपीएल कार्ड। कार में जाता है धान वो लेने, चावल, हाँ चावल छुड़वाने, कार में उतरता है, ठीक है। अब मैं धीरे जो देखता हूँ वही तो बताता हूँ भाई। देखो मैं कौन सी योजना बोला? आयुष्मान भारत योजना। डेट याद रहना, 14 अप्रैल 2018 स्टार्ट होगा बीजापुर से। शुरुआत कहाँ से होता है? बीजापुर से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है।
बीजापुर से ही शुरू होगा 1 मई 2016, ठीक है? मई 2016 तो याद रख, सौर सुजला योजना, योजना का नाम सौर सुजला योजना, ये भी शुरुआत कहां से होगा? बीजापुर से। कहां से होता है? बीजापुर से। अरे कुछ नहीं है, आपके किसानों को प्रेरित किया जाता है कि जो जो आपके ट्यूबवेल्स हैं, बोरवेल्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से ना चले, वो किससे चले? सोलर पैनल से। किससे चले? सोलर पैनल से। तो जगह जगह सरकार सब्सिडी दे करके उनके खेतों में क्या लगा दे रहा है? सोलर पैनल। वही योजना कहलाती है सौर सुजला योजना। नाम क्या है योजना का? सौर सुजला योजना, सोलर एनर्जी। बस क्लियर हो गया, सौर सुजला योजना, ठीक। ये दोनों योजनाएं कहाँ से स्टार्ट हुई है? बीजापुर से। केतुलनार में मिला है सप्तमात्री का मूर्ति। अरे भैया, छत्तीसगढ़ के लोग एक से एक कलाकार, ऐसा मूर्ति बनाया जिसमें 7 माताओं को दिखा दिया। तेरे को केवल याद रखना है सप्तमात्री की मूर्ति कहाँ से मिला है? बीजापुर के पास केतुलनार से। ये याद रखना है सारकेगुड़ा, सारकेगुड़ा नक्सल वारदात 2012, ठीक है? ध्यान से सुनो क्या हुआ। सीआरपीएफ के जवानों को टिप मिला कि सारकेगुड़ा में बहुत बड़ा नक्सली मीटिंग होने वाला है, तो बीजापुर आसपास के जितने सीआरपीएफ के जवान थे, सारे के सारे लोग किसको घेर लिए? सारकेगुड़ा को, सारकेगुड़ा को घेर लिए। लेकिन कुछ समय पश्चात सीआरपीएफ के जवानों को ऐसा फील होने लगता है कि हम ही एम्बुश में फंस गए हैं, हमको चारों तरफ से कौन घेर लिया है? नक्सली, ठीक है? सारकेगुड़ा गांव में ऐसा फील हुआ तो ये लोग क्या किए, बचाव में अंधाधुंध गोली चलाना चालू किए और इसमें 17 लोगों की जान चले गई। 17 लोग सही, मतलब 17 लोगों की जान गई, ठीक है? कितने लोगों की जान चले गई? 17 लोगों की जान चले गई, ठीक। 17 लोग, अब सरकार अपने सीआरपीएफ के लोग क्या बोल रहे हैं, ये 17 लोग कौन है? सीधी सी बात है, ये लोग क्या बोलेंगे? नक्सली। क्या बोलेंगे? नक्सली है। लेकिन एक यहाँ पर व्यक्ति था, बाबा ऐसा कुछ नाम है, काका, हाँ काका कमलेश ऐसा कुछ है, आए क्या नाम, जोर से बोल। हाँ काका कमल, ठीक है। ये क्या किया, ये हमारे गांव के लोग हैं बोल के हाई कोर्ट में केस कर दिया। हाई कोर्ट का डिसीजन आया 2020 में, हाई कोर्ट का डिसीजन कब आया? 2020 में हाई कोर्ट का डिसीजन आया और ये पाया गया कि ये सामान्य नागरिक थे। अब क्या करें, मर तो गए हैं, तो इन सामान्य नागरिकों को शहीद का दर्जा दिया गया। एक शहीद को जो जो चीजें दी जाती है, सारा सुविधा दिया गया, 17 लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया। और याद रखना इन 17 की याद में, इस सारकेगुड़ा में याद रखना इनकी याद में क्या विजय स्तंभ क्या स्थापित किया गया? विजय स्तंभ, ठीक है, या शहीद स्तंभ बोल लो, वीर स्तंभ बोल लो, ठीक है, वो तुम्हारे नोट्स में क्लियर लिखा होगा, शहीद स्तंभ बोल ले तू। सारकेगुड़ा गांव याद रखना है, गांव का नाम क्या है? सारकेगुड़ा, सारकेगुड़ा गांव। और केस करने वाले आदमी का क्या नाम था? काका, काका कमल। क्या नाम था? काका कमला, कमल नहीं कमला, काका कमला, हाँ काका कमला केस करने वाले थे, ठीक है। ये वारदात का डेट भी याद रख लेना है, 28 जून 2012, 28 जून 2012 को ये वारदात हुआ था, ठीक है। शहीदों को शहीद का दर्जा दिया गया और इनकी याद में सारकेगुड़ा गांव में क्या क्या स्थापित किया गया? वीर स्तंभ। क्या नाम है इसका? वीर स्तंभ। ये ले पूरा सारकेगुड़ा गांव याद रखना। आगे आइए, जगह पड़ेगा भोपालपट्टनम, तहसील है, विकासखंड है। भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम है पुष्करी। प्राचीन नाम क्या है? पुष्करी। ये महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक राजवंश था वाकाटक,
राजवंश का क्या नाम था? वकाटक, वकाटक वंश, यहां वकाटक वंश था। और इस भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम पुष्करी। ये वकाटक वंश के शासकों ने अटैक किया पुष्करी पर। इस समय पुष्करी में शासक था, देखो पुष्करी में शासक था पृथ्वी, सॉरी अर्थपति भट्टारक। देखो अर्थपति भट्टारक यहां पर शासक था और यहां पर शासक था पृथ्वी सेन। पृथ्वी हमला कर रहा है अर्थ पर, पृथ्वी किस पे हमला कर रहा है? अर्थ पर। कौन बड़ा है दोनों में? लिखा हूं मैं, देखो कौन बड़ा है? पृथ्वी जीत जाएगा, जो बड़ा है वो जीत जाएगा। पृथ्वी सेन विजयी होता है और ये क्या करता है, इस पूरे का पूरे पुष्करी को तहस नहस कर देगा, पूरा का पूरा पुष्करी को तहस नहस डिस्ट्रॉय कर देगा पूरा का पूरा। आगे चल के एक और शासक आएगा, ये नलवंश का है। अर्थपति भट्टारक कहाँ का है? नलवंश का। और ये कौन से वंश का है? वाकाटक वंश का। तो आगे नलवंश की एक और शासक आएगा जो इस पुष्करी को फिर से बसाएगा। इस बात की जानकारी एक अभिलेख में है, केसरी बेड़ा अभिलेख, इसको याद रखना है, केसरी बेड़ा अभिलेख में इस बात की जानकारी है कि नलवंशी शासक ने किसको फिर से पुनः स्थापित किया, जगह का नाम पुष्करी को फिर से बसाया था। याद हुआ? पुष्करी, जगह का नाम पुष्करी, भोपालपट्टनम तहसील है, विकासखंड है, भोपालपट्टनम पूरे बस्तर जिले में सबसे ज्यादा कोरंडम उत्पादन करता है। ठीक है, यहां से लाइन से पूरा भोपालपट्टनम, उल्लूर, कुचनूर, धनगोल, ये सब किसके लिए फेमस है? कोरंडम के लिए। सबका सब जगह काहे के लिए फेमस है? कोरंडम के लिए। और याद रखना है, इस भोपालपट्टनम से 1795 AD यहां पर हुआ था भोपालपट्टनम का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? भोपालपट्टनम का विद्रोह। ये देखो क्या होता है, एक अंग्रेज व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, जे सी ब्लंट, आधा ब्ल, नाम क्या था उसका? जे सी ब्लंट। ये इस नदी को पार करके जगदलपुर जाना चाहता था। ये नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी को क्रॉस करके जगदलपुर जाना था। तो यहां पर आदिवासी लोगों ने जेसी ब्लंट को बोला, तू इस पार आते काट देंगे, और ये जगदलपुर जाने से रोकना चाहते थे। व्यक्ति का नाम जेसी ब्लंट, व्यक्ति का नाम क्या था? जेसी ब्लंट। 1795 विद्रोह का नाम याद रखना है, भोपालपट्टनम का विद्रोह। भोपालपट्टनम से ही नाम है विद्रोह का, भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795। जेसी ब्लंट कहाँ जाना चाहता था? बस्तर में प्रवेश करना चाहता था, बोलिए। और आदिवासियों ने इसको बस्तर में प्रवेश करने से क्या कर दिया? रोक दिया। ये बस इतना ही जानना है और इतना ही क्वेश्चन आएगा। भोपालपट्टनम का विद्रोह किस नदी को पार रोकना था, यह भी क्वेश्चन है। इंद्रावती। आने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कब आ रहा था? सारा प्रश्न आ चुका है लाइन से ना। ठीक है, ये भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम से अब देखो इधर साहब, ये सब जगह क्या पाया जाता है? कोरंडम। कोरंडम याद रखना है, हीरा के बाद दूसरा सर्वाधिक कठोर कौन होता है? कोरंडम। ये सब जगह कोरंडम पाया जाएगा। अगर कोरंडम का कलर नीले कलर का है, क्या बोलोगे इसको? नीलम। लाल है तो माणिक्य। ओके, ये जगह याद रखना है, जहां पर इंद्रावती नदी आकर के किससे मिल रही है? गोदावरी से। ये जो संगम पूछेगा, संगम का नाम तो सोमनूर संगम, स्थान का नाम पूछेगा तो भद्रकाली, जय भद्रकाली। यहीं पर काली माता का मंदिर है, इसको अपन भद्रकाली कहते हैं। ठीक, लाइन से उल्लूर, कुचनूर, धनगोल माइंस, क्या मिलेगा? कोरंडम। देखिए अब ये जितने गुफाएं हैं, सब का भैया सब एक पहाड़ के ऊपर में है। तो जितना बोला हूं मैं सब पहाड़ भी है, चाहे वो अलबक्का बोलूं, पोषणपल्ली बोलूं, सकल नारायण बोलूं,
लंकापल्ली बोलूं, नाड़ापल्ली बोलूं, आवापल्ली बोलूं, सारे के सारे पहले पहाड़ है, हिल्स हैं। ये सारे पहाड़ कहाँ हैं? बीजापुर में। कहाँ हैं? बीजापुर में। अब ये देखो, इसको पूछ चुका है, इसको पूछ चुका है, अलबक्का पहाड़ी बीजापुर के किस दिशा में है? सिर्फ एक डायरेक्शन लेना रहेगा तो याद रहना पश्चिम, और अगर साथ में दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम, केवल एक लेना रहेगा तो वेस्ट, और दो लेना रहेगा तो साउथ वेस्ट। कल भी बता दिया था, साथ में याद रहना सकल नारायण का ये पहाड़ भी है, सकल नारायण गुफा भी है। इसी पहाड़ के अंदर में कृष्ण भगवान की अनेकों मूर्तियां हैं। किसकी? कृष्ण भगवान की। इसीलिए इस पहाड़ को गोवर्धन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ को किस नाम से जानते हैं? गोवर्धन। अनेक मूर्तियां मिलेगी कृष्ण भगवान की, कहीं पर जाओगे तो वो मतलब ऐसे बनाया गया है जैसे अपने सखाओं के साथ खेल रहे, कहीं पर वो गोपियों का वस्त्र हरण वो छीन के भाग रहे हैं, कहीं पर वो दही लूट रहे हैं, ऐसा बहुत सारा मूर्ति बना गया है। इसीलिए इस पहाड़ को क्या बोला जाता है? गोवर्धन पर्वत। चले आगे, यहाँ याद रखना विष्णु भगवान का बहुत सारा मूर्ति है, कृष्ण, लेकिन कृष्ण किसके अवतार हैं? ठीक, लंकापल्ली गुफा भी है, लंकापल्ली पहाड़ भी है, और लंकापल्ली वाटरफॉल भी है, नाड़ापल्ली आवापल्ली, सारे पल्ली इधर ही है, एक ठोको छोड़ करके कौन सा? गोलापल्ली। ये पल्ली को अलग से याद रखना, बाकी सारा पल्ली इधर ही है। ठीक है, ओके। ये अब आ जाओ कहां पर, ये देखो दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, दोनों 83 का है, 1983। इस तहसील का नाम उसूर। क्या नाम है? उसूर। उसूर तहसील में पड़ेगा पामेड़, और भैरमगढ़ तहसील में क्या पड़ेगा? भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी का वही नाम पर है। ये किस नदी, कौन सी नदी जा रही है? कौन सी नदी? तालपेरू। और ये कौन सी नदी जा रही है? इंद्रावती। अब आते हैं नेशनल पार्क पे। किस पे आते हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला 1978 में, पहला बात, ठीक है। आगे चल के इसको 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके बाद 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब हुआ? 1983 में, ठीक है। और टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? टोटल एरिया 1258 किलोमीटर स्क्वायर। चूंकि टाइगर रिजर्व है, टाइगर पाया जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है वन भैंसा, वन भैंसा का संरक्षण। इधर देखो, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क? 3। एक इंद्रावती नेशनल पार्क, ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और ये है कांगेर वैली नेशनल पार्क। ट्रायंगल बनाओ, बीच में लिख दो नेशनल पार्क, 3 ठो तो है। 1981, बार बार क्यों पढ़ा रहा हूं पता है, याद हो जाए। 1982 एरिया 1250 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया 200 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया 1441 किलोमीटर स्क्वायर। अब बताओ तीनों में सबसे बड़ा कौन है? कौन सा है सबसे बड़ा? अरे 1441 बड़ा होता है कि 1298 बड़ा होता है? 1441। सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। सबसे पुराना कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। सबसे छोटा कौन सा है? कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना,
पहाड़ी मैना। और यहां पर पाया जाएगा कौन सा भैंस? जंगली भैंस, वन भैंसा भैया, जंगली भैंसा बोल रहा हूं, ये है वन भैंसा। इस इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदर में है कुटरू गेम सेंचुरी, क्या होता था अब ये क्या है गेम सेंचुरी, कुछ शुरुआत में ये एक पर्टिकुलर जगह पर ठीक है परमिशन लेकर के आप शिकार कर सकते थे गेम। अरे भाई जंगल में क्या गेम खेलेगा, ठीक है तो यहां पर क्या किया जा सकता था, शिकार करते थे। अब ये शिकार नहीं करते, अब यहाँ पर एडवेंचर टाइप का बना दिया, कोई जा रहा है खाना पका रहा है, पिकनिक मना रहा है, कोई जा रहा है झूला झूल रहा है, कोई इधर से उधर लटक रहा है, थक गया आया था जंगल, अब वो इस टाइप का गेम आ गया है। नाम क्या है? कुटरू गेम सेंचुरी। फिर एक बार जानना है कहाँ है, इंद्रावती नेशनल पार्क के भीतर में कुटरू गेम, इंद्रावती इसके बीचों बीच बहती है इसलिए नाम पड़ गया इसका इंद्रावती नेशनल पार्क। आगे चल के इंद्रावती अपना जल कहां छोड़ देगा, सोमनूर संगम के पास, भद्रकाली के पास, किससे मिल जाएगा या करके गोदावरी नदी पर। पूरे छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन से डायरेक्शन में बह रहा है, पश्चिम। अरे भाई ऐसे बह रहे ना, कौन सा डायरेक्शन है ये, ठीक वेस्ट, पश्चिम की ओर। छत्तीसगढ़ में टोटल 264 किलोमीटर बहता है, प्राचीन नाम मंदाकिनी, क्या नाम है प्राचीन नाम मंदाकिनी, ठीक है। जिला कालाहांडी, पर्वत का नाम मुंगेर पर्वत से निकलता है, सब बता दिया हूं, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को इस पर दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, बस्तर खत्म स्वाहा, तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ एक, और सात धारा वाटरफॉल, चित्रकूट, कौन शर्म नहीं आया कौन था चित्रकूट वाला, अरे लोल ये का है चित्रकूट वाटरफॉल एक, और दूसरा कौन है सात धारा। कौन लोल लोग पहले तीरथगढ़ कौन बताया था, कांगेर, कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर में याद आ गया, मुनगा बहार नदी, चित्रकूट वाटरफॉल और लोलो डैम। जल्दी बोलो इस पर कौन सा डैम है इंद्रावती नदी पर, किनको पढ़ाता हूं रे, अरे कुछ भूल जाओ मत भूलो, बोध घाट याद रखना ना भैया, बोध ये ले, बता चुका था मेरे बाप 300 मेगावाट हाइड्रो पावर है और 366,580 इसका टोटल, इतने हेक्टेयर पर क्या होगा सिंचाई होगा। तीन जिले लाभान्वित हैं, कौन कौन सा, एक है बीजापुर, एक है दंतेवाड़ा और एक है सुकमा, किसको पढ़ाया हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा रे, तुम ही लोग हो लगता है। चलिए इतना जगह याद रखना है और जो छूटा मोटा एकदम चीज छूटा होगा वो आपको नोट्स में बिल्कुल मिलेगा। जैसे देखो ये है मोडेनार जगह का नाम, ये है गिलगिच, मोडेनार और गिलगिच दोनों जगह पे मिलता है कॉपर तांबा। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जिला जहां पर कॉपर मिलता है वो है क्या है, बीजापुर। पूरे छत्तीसगढ़ में कॉपर और कहीं नहीं मिलता यहाँ के छोड़, ठीक है। जिले का नाम क्या है, बीजापुर। सब हो गया, ये बहुत सारा गुफा है, सारे गुफा एक पहाड़ है पहले और उन्हीं पहाड़ों पर क्या है गुफा है।